सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह की 8:30 बजे से। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाया है, अभी मेरी मम्मी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है और मैंने ना घर में सफाई की और ना मेरे को खांसी भी स्टार्ट हो गई है भाई कल से। तो तबीयत तो थोड़ी बहुत ठीक हो गई है लेकिन खांसी स्टार्ट हो गई है। बाकी आज मौसम भी दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है। आज का मौसम काफ़ी सुहावना है, काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली हुई है और आसमान में हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। दोस्तों ना, हमेशा ना मैं छत में दाना डालती हूँ चिड़िया के लिए, चावल डालती हूँ और कभी कभी रोटी, तो आज नहीं डाले क्योंकि घर में सफाई वगैरह की। तो अब डाल रही हूँ छत में, चावल लेके जा रही हूँ। और जो ये चावल है ना, इनको मैं डालूँगी यहाँ छत में, तो पक्षियाँ आएंगी और फिर ये दाना खाएंगी। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं और हमेशा ना यहाँ पे पक्षी आती है और चावल खाती है। दाना तो मैंने छत में डाल दिया है, अब चलते हैं लकड़ी वाले किचन में और मम्मी यहाँ पे बना रही है रोटी, गेहूँ के आटे की रोटी बना रही है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो सुबह में का नाश्ता बना रहे हैं यहाँ, चूल्हे की रोटी और गेहूँ की रोटी। और अब सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद घर का काम पर लगे हुए हैं। सुबह से तो लगे हुए हैं पर फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। तो अभी मैं आ रही हूँ यहाँ हॉस्पिटल में और यहाँ पे हैं दीदी। तो दीदी जी यहाँ जॉब करती है ना आप दोनों? अच्छा, तो कैसी चल रही है आपकी जॉब? अच्छा, तो अभी मेरे पे यहाँ पे ना ग्लूकोज चल रहा है, ये देखिए काफ़ी वीकनेस आ गई है मेरे पे, है ना दीदी? तो दोस्तों, मेरे पे ना काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई है, तो अभी मैं ना यहाँ पे ग्लूकोज चढ़ा रही हूँ और थोड़ा रेस्ट लेने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है कि मतलब टेंशन ज़्यादा लेती हो, सोचती ज़्यादा हो, तो इसलिए। तो थोड़ा वीकनेस भी हो गई थी उस दिन से जिस दिन मुझे ना उन्होंने काटा था, तो तब से थोड़ा मतलब कमज़ोरी आ गई थी। मोनिका की तबीयत बहुत ख़राब हुई, तो हम आए हैं यहाँ नारायणपुरी हॉस्पिटल में। तो ये बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारे जो रुद्रप्रयाग के ऊपर है ये हॉस्पिटल, मतलब गुप्तकाशी के ऊपर। तो यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब जो भी जॉब करते हैं, तो यहाँ इंजेक्शन जो भी मतलब ग्लूकोज दवाई डॉक्टर भी बाहर के हैं, अच्छे हैं। तो मोनिका को यही लाई मैं हॉस्पिटल में। तो अभी मोनिका पर ग्लूकोज चल रहा है और ये बहने तो लगी हुई है अपने काम पे, कोई इधर वाली वार्ड में, कोई उधर, कोई उधर, तो लगे हुए हैं। बहुत अच्छा है, आप लोग भी केदारनाथ आओगे तो तबीयत ख़राब होगी तो ज़रूर इस हॉस्पिटल में आना। तो यहाँ सब लोग अपने अपने काम पे लगे रहते हैं, मतलब मरीजों को देखते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं। तो ज़रूर आप लोग भी यहाँ आना हॉस्पिटल में, कहीं जल्दीबाजी में दूर के हॉस्पिटल होता है जो एमरजेंसी हॉस्पिटल है। तो यह नारायणपुरी गुप्तकर काशी के आगे है ये हॉस्पिटल, तो बाहर से भी आप लोगों को हम दिखाएंगे कैसा है। तो अभी मैं मोनिका को ये लाई, पहले खाटा ले गई तो वहाँ इंजेक्शन लगा, तो ग्लूकोज चढ़ाने के लिए मैं यही लाई है। तो अभी तो आधा बोतल आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। तो ये रही मोनिका यहाँ पर, तो यहाँ पर लग रखा है पहले इंजेक्शन लगाई, अभी ग्लूकोज चल रहा है। तो चलिए जी, ग्लूकोज इतना बच रखा है, बाकी मम्मी यहाँ पे बैठ रही है मेरे सामने, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और मम्मी जब मेरे साथ रहती है ना तो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, है ना मम्मी? बाकी अभी यहाँ पे देखिए, मेरे को काफ़ी डर लगा, इतनी लंबी सुई वो करके भाई। बाकी उधर की साइड भी है पेशेंट, तो सबका ख्याल रख रहे हैं भाई। यहाँ जो हॉस्पिटल है ना, ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ सब सेवाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, ब्लड टेस्ट कराना हो, चाहे एक्सरे हो, सब चीज़ की व्यवस्था है यहाँ, है ना मम्मी? सब चीज़
क्योंकि मैंने देखा ना, मैंने पिछली बार यहाँ आई थी ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो कुछ नॉर्मली था, लेकिन आज ऐसा था कि कमजोरी है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है और सोचती बहुत ज़्यादा हूँ बस। तो डॉक्टर ने बोला कि सोचा मत करो ज़्यादा, और थोड़ा विटामिन की कमी है, बाकी पिछले ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, थोड़ा ताकत का इंजेक्शन लगा रखा है इसमें, ये देखिए। तो अब इंजेक्ट वो होता है, ग्लूकोज चढ़ता है, फिर उसके बाद दवाई लिखवाने के लिए जाना है डॉक्टर के पास। देखो वो सभी दाने बोल ये जी, हॉस्पिटल से ना हमने दवाई वगैरह भी ले ली है और सब चीज़ हो गया है, अब तैयारी हो गई है घर जाने की। अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, बाकी यहाँ पे वो भी लगा दिया है रूइन, जिससे ब्लड वो ना हो, बाहर ना आए। तो अभी हम जा रहे हैं गुप्तकाशी नारायण कोटी साइड, वैसे तो ये नारायण कोटी है, और यहाँ ऊपर पे मेरे को ना एक काफ़ी चीज़ खूबसूरत चीज़ दिखाई दी। यहाँ पे काफ़ी सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं, काफ़ी सारी, ये देखिए काफ़ी सारी आकृतियाँ बनाई गई हैं, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही हैं, उधर से लेकर और यहाँ तक बनाई गई हैं। बाकी जो हॉस्पिटल है वो वहाँ पे है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है भाई, ये देखिए। तो मेरी मम्मी ने ना यहाँ पे दरवाजे बनवाने के लिए दे दिए हैं भैया लोगों के पास, और यहाँ पे ना दरवाजे खिड़की वाल्डिंग का पूरा काम होता है ना भैया। अच्छा, तो मतलब 2-3 दिन में बन जाएंगे ना। अच्छा, तो हमने भी दे दिए हैं यहाँ पे वॉशरूम और के दरवाजे बनाने के लिए। तो अब चलते हैं मार्केट के। हाँ, तो चलते हैं आप बनाएंगे। हाँ, वही तो चलते हैं अब गुप्तकाशी मार्केट की तरफ। चलिए जी, एक टेंशन भी थोड़ी बहुत दूर हो गई है, क्योंकि ना हमने वॉशरूम तो बनाए थे लेकिन दरवाजे नहीं थे, तो आज दरवाजे भी बनवाने के लिए दे दिए थे, क्योंकि ताऊ जी ने बोला कि मैं बनाऊंगा, लेकिन ताऊ जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उन्हीं के भरोसे रहे, तो आज ये हाल है भाई, वॉशरूम भी कंप्लीट नहीं हो पाया। बाकी जब ना दरवाजे वगैरह फिट हो जाएंगे, फिर उसके बाद टाइल्स लगाना है। तो फिलहाल अभी तो हमने दरवाजे बनाने के लिए दे दिए हैं तीनों वॉशरूम के, तो देखते हैं 2-3 दिन बाद वो बन जाएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं गुप्तकाश, और अभी ना थोड़ा बहुत मतलब अच्छा फील कर रही हूँ मैं। बाकी यहाँ पे ना मैंने रुई वो कर किया लगा रखी है। तो दोस्तों चलिए जी, हमें ना अभी गाड़ी भी मिल गई है नारायण कोटी से, तो चलते हैं भाई। हमने गाड़ी से ना अपने रास्ते में भी आ गए हैं, और गाड़ी भी मिल गई थी, लेकिन ना यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है और भीग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज लगा रखा है ना, तो इसीलिए जब बारिश बंद होगी उसके बाद जाएंगे। तो दोस्तों ना घर भी आ गए हैं, रास्ते में ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि काफ़ी भयंकर बारिश लग रही थी, इसीलिए। तो अभी हल्की हल्की धूप भी लग गई है, और वैसे ही बारिश होए जा रही है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सुबह में तो ठीक ही थी, लेकिन अचानक हॉस्पिटल, तो ऐसा हुआ कि मम्मी ने बोला कि हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वैसे तो फाटा में उतना वो है नहीं, मतलब सुविधा है नहीं, बड़ा हॉस्पिटल तो है नहीं। हम गए थे नारायण कोटी, गुप्तकाशी से थोड़ा पीछे पड़ता है हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन मुझे बीमारी कुछ नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को टाइफाइड है ना, ऐसा लगा था। हाँ, तो उन्होंने बोला कमजोरी वो हो रहा था ना, घबराहट वगैरह हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा टेस्ट नहीं लेना है, तो अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसलिए एक बोतल उन्होंने ना ग्लूकोज की चढ़ाई, उसमें ताकत की इंजेक्शन वगैरह डाली उन्होंने। तो अभी मेरी तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है, सुबह में ऐसे हाथ पैर कांप रहे थे, मतलब सांस भी नहीं ले पा रही थी मैं। आज तो बहुत बुरे हाल हुए भाई मेरे रास्ते में, आज चढ़ाई वाला रास्ता ही मैं मुश्किल से तय कर पाई। अभी घर पहुँच गए हैं, तो अब लंच बनाते हैं।